नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज है आपका 14 जुलाई। 14 जुलाई का जो आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होना था वो आपका आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसका पीडीएफ जो कि चारों शिफ्टों का रात तक आपका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जो कि आपका 100% रियल रहेगा। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था, शायद ये आया था। तो आपका चंदेरी की युद्ध की बात कर ले तो आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मोदिनी राय खंगार ने किया था। इस युद्ध में मोदिनी राय खंगार की पराजय हुई थी। तो आपका मोदिनी राय खंगार की पराजय हुई थी इस युद्ध में, तो आप देख लीजिएगा ये ऑप्शन में शायद आपका था। युद्ध में वीर गति पाई महिलाओं ने जौहर को स्वीकार करके सामूहिक आत्मदाह कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका दास थिया भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है। तो आपका दास थिया जो कि पूछा था कि कौन से आपका क्षेत्र में जो कि कौन से क्षेत्र का है, तो आपका सही उत्तर इसका जो कि ओडिशा हो जाएगा। दास थिया की बात कर ले तो ओडिशा के क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है। इस रूप में दो कथाकार हैं, गायक जो मुख्य गायक हैं और पलिया जो सह कथागार है। काथिया नामक लकड़ी के संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग करते हुए नाटकीय संगीत के साथ कथा का वर्णन किया जाता है। इस रूप का एक निकटतम रूप चेती घोड़ा है, जिसमें दो वाद्य यंत्र ढोल और मोहरू और तीन कथाकारों का उपयोग किया जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध गुरु विपिन सिंह से है। तो आपका गुरु विपिन सिंह से बात कर ले तो आपका मणिपुरी नृत्य से जो कि आपका संबंध रखते हैं। कोरियोग्राफर और शिक्षक जो कि आपका रह चुके हैं, निर्देशक कोरियोग्राफर और शिक्षक भी आपका जो कि ये रह चुके हैं। और वहीं बात कर ले आपका और अन्य शास्त्रीय नृत्य राज्य और कलाकार की, तो आपका भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। जो कि कलाकार की बात कर ले तो यामना कृष्णमूर्ति, सोलन मानसी, रुक्मणी देवी, मिलानी सारा भाई जो कि आपका कलाकार संबंधित हैं। कथक की बात कर ले तो आपका जो कि उत्तर प्रदेश का आपका है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज जो कि आपका संबंधित हैं। आपका कथकली की बात कर ले तो केरल से आपका केरल राज्य का जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य है बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्णा नायर, मिलानी साराभाई जो कि आपका कथकली से जो कि आपका संबंधित व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुचिपुड़ी की, तो जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो कि आपका व्यक्ति जो कि कुचिपुड़ी से आपका संबंधित हैं। चलिए ओडिशा की बात कर ले तो ओडिशा जो कि आपका उड़ीसा का है। संयुक्त पनिगिरी, सोलन मानसी, किरण सहगल, माधवी मुगदल, कालीचरण पटनायक जो कि आपका ओडिशी नृत्य से आपका जो कि संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर ले तो मणिपुरी सी, तो मणिपुर से आपका मणिपुर का है। वहीं बात कर लें गुरु अमली सिंह, आत्मम सिंह, झावेरी बने, सविता मेहता, कालावती देवी, चारू माथुर जो कि आपका मणिपुरी से संबंधित है। वहीं बात कर ले मोहिनी अट्टम का, तो आपका केरल का है। वहीं आपका कल्याणी अम्मा भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, गीता गायक जो कि आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है। वहीं सतरिया आपका जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि 2020 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था, ये आपका एक प्रश्न आया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो जापान में जो कि आयोजित हुआ था। आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन है जो कि दुनिया भर में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के प्रबंध को देखता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि 1894 में अस्तित्व में आया था। टोक्यो 2020 ने आधिकारिक खेल आदर्शवाक यूनाइटेड बॉय इमोशन
प्रकाशित किया है। यह ओलंपिक खेलों का आयोजन दूसरी बार टोक्यो में हो रहा है, हुआ था आपका इससे पहले यह वर्ष 1964 में आपका जो कि हुआ था। वहीं बात कर लिया आपका ग्रीष्म ओलंपिक वर्ष की, तो आपका 2024 का जो कि पेरिस और फ्रांस में होना है, 2016 का जो कि रियो डी जनेरो ब्राज़ील में हुआ था आपका, वहीं आपका 2028 का जो कि संयुक्त राज्य में आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका जो कि गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल प्रदर्शन और खेल भावना के शानदार प्रदर्शन के बाद 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन जो कि आपका हो गया था अपने 36वें संस्करण में। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो कि आपका किया था, तो गुजरात इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेलों की बात कर ले तो 2022 में गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में जो कि आयोजित किया गया था। 36वें खेल राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 40 स्वर्ण, 25 रजत, 24 कांस्य पदकों के साथ कुल 89 पदक जीतकर तालिका में सबसे ऊपर जो कि आपका रहा था। हरियाणा 25 स्वर्ण, 22 रजत और 19 कांस्य सहित 66 पदक जीतकर आपका जो कि दूसरे स्थान पर रहा था। वहीं बात कर ले 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर की, तो सावज है यह खिलाड़ी के व्यक्ति के सबसे प्रमुख लक्षणों जैसे आत्मविश्वास, जोश, प्रेरणा, सफल होने की आंतरिक इच्छा, ध्यान और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना आदि पर बल जो कि आपका देता है। गुजराती में सावज की बात कर ले तो तारनहार का हिंदी अर्थ है जो कि उदार करता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि मृच कटिकम का लेखन किसने किया था, तो आपका जो कि इसका जो कि लेखन है आपका मृच कटिकम 10 अध्यायों का संस्कृत नाटक है जिसका श्रेय शूद्रक को दिया जाता है और उसे समानता दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईसा के बीच किसी समय का रहने वाला माना जाता था। यह नाटक राजा पटक के शासनकाल के दौरान उज्जैन के प्राचीन नगर में जो कि आपका लिखा गया था। जो इसके रचनाकार है आपका महाराज शूद्रक, जो कि शूद्रक को माना जाता है, तो शूद्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एक कि कंचनजंगा हिमालय को निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है, तो कंचनजंगा हिमालय की बात कर ले तो आपका महान हिमालय के अंतर्गत आता है। तो आपका इसका अगर ये क्वेश्चन आपका आया होगा, ये हालांकि कंफर्म नहीं है कि ये आया था कि नहीं, पर आपका जो अगर आया होगा तो महान हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित जो कि आपका किया जाता है। पार हिमालय लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है, इसमें टेडिश अवसाद होता है। वहीं बात कर ले महान हिमालय की, तो महान हिमालय निम्न हिमालय के उत्तर में दीवार की तरह जो कि एकाएक खड़ी संरचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्यंत्र को एकल संगीत वाद्यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो पंडित राम नारायण का आपका संबंध आया था कि किस वाद्यंत्र से है। शायद इसका लैंग्वेज हमने बदल दिया है, तो आप देख लीजिएगा पंडित राम नारायण से संबंधित आपका वाद्यंत्र पूछा गया था, तो उत्तर इसका सही उत्तर सारंगी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार को संगीत वाद्यंत्र सारंगी को एकल संगीत वाद्यंत्र के रूप में लोग लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो सारंगी राइट आंसर हो जाएगा। वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि सारंगी बजाते हैं। वहीं बात कर ले और वादक की कि कौन कौन से और वादक जो कि कौन से यंत्र से आपका जाने जाते हैं, तो KR कुमार स्वामी अय्यर, दो ई स्वामी अय्यर जो कि आपका बीना से संबंधित है, रविशंकर, निखिल बनर्जी, हर शंकर भट्टाचार्य, विलायत खान जो कि सितार से संबंधित है, किसान महाराज, अल्लाह रखा खान, झाकिर हुसैन, निखिल घोष जो कि तबला से संबंधित है, गुलाब अली शाबिर खान, सुहाली यूसुफ खान, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान जो कि सारंगी से संबंधित है, अरुपट्टी नटेशा अय्यर, तंजावुर वेदनाथ अय्यर, पालघाट मणि अय्यर जो कि आपका मृदंग से संबंधित है, तरुण भट्टाचार्य, भजन सपोरी, उल्लास बापट जो कि आपका संदूर से संबंधित है, गजानन राव जोशी, बलुस्वामी दीचित्तार, MS गोपाल कृष्णन, लाल गुड्डी जी, जय रामन टी, एन कृष्ण, मैसूर टी चौधरी जो कि आपका वायलिन से संबंधित है,
અલાઉદ્દીન ખાન, અલી અકબર ખાન, જરીન એસ શર્મા, સરન રાની, અમજદ અલી ખાન, અમાન અલી, આયન અલી, બુદ્ધેવ દાસગુપ્તા, બહાદુર ખાન, જો કે આપકા સરોદ સે સંબંધિત હૈ, અનંતલાલ, બિસ્મિલ્લા ખાન, અલી અહમદ, હુસેન ખાન, એસ બાલેશ, જો કે આપકા સનાઈ સે સંબંધિત હૈ, ટી આર મહાલિંગમ, હરિપ્રસાદ ચૌરસિયા, પન્નાલાલ ઘોષ, જો કે બાંસુરી સે સંબંધિત હૈ. તો આપકા ઇતને વ્યક્તિ જો કે કોન કોન સે વાદ્યન સે સંબંધિત હૈ, તો આપ ઇન્હે ભી દેખ લીજિયેગા, યે આપકા ઇમ્પોર્ટેન્ટ રહેતા હૈ. ચલિયે અગલા ક્વેશ્ચન આપકા તિબ્બત વર્મા સે આપકા રિલેટેડ થા કે ભાષા કોન સી હૈ, તો વહી બાત કર લે આપકા. એક લાખ સે અધિક બોલને જાને કે સાથ સાથ આઠ તિબ્બતી ભાષા હૈ, બર્મન ભાષાએ હૈ, જો કે આપકા બર્મી, તિબ્બતી, બાયલી, લોલો, કરેન, મોતઈ, હાની, જિંગપો, ઓર કુલ મિલાકર લગભગ 50 ઓર 1 લાખ સે જો અધિક વક્તા આપકા હૈ. તિબ્બતી બર્મી ભાષા પરિવાર પૂર્વી એશિયા, દક્ષિણી પૂર્વી એશિયા કે પહાડી ઇલાકો ઓર ભારતીય ઉપમહાદ્વીપમાં બોલી જાને વાલી લગભગ આપકા જો કે ભાષાઓ કા એક ભાષા પરિવાર હૈ. ચલિયે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કી બાત કર લેતે હૈ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપકા આયા થા કે કિસ દોસ્ત સાલ કે ગણતંત્ર દિવસ પ્રમુખ અતિથિ નહીં આયે થે. તો યે ક્વેશ્ચન આપકા થા, તો ઇન વર્ષો કે ગણતંત્ર દિવસ પરેડ પર નહીં આયા કોઈ મુખ અતિથિ નહીં થા આપકા. બાત કર લે જો હાલ મેં હુઆ આપકા ગણતંત્ર દિવસ પરેડ મેં 10 મોકો કો છોડકર ભારત મેં હંમેશા કોઈ ન કોઈ મુખ અતિથિ જો કે આતા રહા હૈ, લેકિન ઇન વર્ષો આપકા 1952, 1953, 1956, 1957, 1969, 1962, 1964, 1966 ઓર 1967 ઓર 1977 મેં આરડી પરેડ કે લિયે ભારત મેં કોઈ મુખ અતિથિ જો કે આપકા નહીં આયા. તો દેખ લીજિયેગા ઓપ્શન મેં આપકા કોન સા આપકા રાઇટ આન્સર હો જાયેગા. વહીં બાત કર લે કે 2019 મેં કોન આયા, તો દક્ષિણ અફ્રિકા કે રાષ્ટ્રપતિ સાઇલિન રામાફોસા, જો કે 2019 મેં આયે થે. 2020 મેં બ્રાઝિલ કે રાષ્ટ્રપતિ જાયર બોલસોનારો, ઓર 2021 મેં કોરોના કી વજહ સે કોઈ રાષ્ટ્ર અધ્યક્ષ શામિલ નહીં હુએ થે. વહીં બાત કર લે 2022 મેં કોરોના કી વજહ સે કોઈ અધ્યક્ષ જો કે શામિલ નહીં હુએ થે. વહીં બાત કર લે આપકા 1951 મેં, જો કે આપકા રાજા ત્રિભુવન વીર વિક્રમ શાહ, જો કે નેપાલ કે થે, વો આપકા આયે થે. તો આપ દેખ લીજિયેગા ક્યા ઓપ્શન મેં થા આપકા 2021-2022 હોગા, તો આપકા રાઇટ આન્સર હો જાયેગા. ચલિયે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હૈ આપકા ગણતંત્ર કા મતલબ પૂછા થા, યાની આપકા રિપબ્લિક કા મતલબ અગર હિન્દી પૂછા હોગા તો ગણતંત્ર હો જાયેગા, વહીં અગર ગણતંત્ર કા મતલબ પૂછા હોગા તો જનતા દ્વારા ચુના ગયા અધ્યક્ષ આપકા જો કે હોતા હૈ. ગણતંત્ર કા મતલબ યાની આપકા જનતા કા શાસક જો કે આપકા ચુના જાતા હૈ. એક ગણરાજ્ય ગણતંત્ર સરકાર કા એક રૂપ હૈ, જિસમે દેશ કો એક સાર્વજનિક મામલા માના જાતા હૈ, ન કે શાસકો કી નિજી સંસ્થા યા સંપત્તિ. એક ગણરાજ્ય કે ભીતર સત્તા કે પ્રાથમિક પદ વિરાસત મેં નહીં મિલતે હૈ, યે સરકાર કા એક રૂપ હૈ, જિસકે અંતર્ગત રાજ્ય કા પ્રમુખ રાજા નહીં હોતા હૈ. ચલિયે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપકા એક આયા થા કે લાલ સેવાલ કા નામ ક્યા હોગા, ક્યા હોતા હૈ, તો આપકા પૂછા થા, તો આપકા રેડોફાઇસી, જો કે આપકા રાઇટ આન્સર હો જાયેગા. સેવાલ કો તીન મુખ વર્ગો મેં જો કે આપકા બાંટા ગયા હૈ, ક્લોરોફાઇસી, ફિયોફાઇસી ઓર રેડોફાઇસી. તો આપકા દેખ લીજિયેગા ઓપ્શન મેં અગર રેડોફાઇસી હોગા તો રેડોફાઇસી આપકા રાઇટ આન્સર હો જાયેગા. હાલાંકિ સબ આપકા યહી બતા રહે થે કે આપકા રેડોફાઇસી ઓપ્શન મેં થા. ચલિયે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપકા એક આયા થા કે 1875 મેં કિસ સમાજ કે સ્થાપના જો કે આપકા હુઆ થા, તો આપકા આર્ય સમાજ, જો કે ઇસકા રાઇટ આન્સર હો જાયેગા. હાઈકોર્ટ કે ન્યાયાધીશ, અગલા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હૈ આપકા હાઈકોર્ટ કે ન્યાયાધીશો કા ટ્રાન્સફર કોણ કરતા હૈ, તો આપકા રાષ્ટ્રપતિ, જો કે આપકા રાઇટ આન્સર હો જાયેગા. ન્યાયાધીશો કી એક ઉચ્ચ ન્યાયાલય ઓર દૂસરે ઉચ્ચ ન્યાયાલય મેં સ્થાનાંતરિત કરને કા અધિકાર જો કે આપકા રખતા હૈ કોણ, તો રાષ્ટ્રપતિ. વહ ભારત કે મુખ્ય ન્યાયાધીશો કે પરામર્શ કે બાદ ઇસ આદેશ કા પાલન જો કે આપકા કરતા હૈ. સંવિધાન કા અનુચ્છેદ 222 એક ન્યાયાધીશ મુખ્ય ન્યાયાધીશ સહિત કે હસ્તાંતરણ કે લિયે એક ઉચ્ચ ન્યાયાલય સે કિસી અન્ય ઉચ્ચ ન્યાયાલય મેં પ્રાવધાન કરતા હૈ, તો કોણ સે અનુચ્છેદ કે તહત, તો 222 અનુચ્છેદ કે તહત, આપ ઇસે ભી યાદ રખિયેગા. ચલિયે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપકા આયા થા કે ચટ્ટાન કા નિર્માણ કિસ પ્રકાર હોતા હૈ, તો શાયદ આપકા એક ચટ્ટાન કે નિર્માણ સે પ્રશ્ન પૂછા ગયા થા કે કિસ પ્રકાર સે હોતા હૈ, તો દેખ લીજિયેગા અગર યે આપકા આયા હોગા તો ઇસે ભી હમ ડિસ્કસ કર લેતે હૈ. તો ચટ્ટાન મુખ્યત અગ્નેય, ઔષાદી ઓર કાયંત્રિત તીન પ્રકાર કે હોતે હૈ. અગ્નેય ચટ્ટાનો પૃથ્વી કે તત્વ પિઘલે મેગમા કે ઠંડ હોકર થોસ હો જાને સે નિર્મિત આપકા જો કે હોતા હૈ અગ્નેય ચટ્ટાન. વહીં હમારી પૃથ્વી પ્રારંભ સે ગરમ એવં પિઘલી અવસ્થા મેં
थी। अंततः पृथ्वी के ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी का सर्वप्रथम अग्नेय चट्टानों ही बनता है। चलिए एक क्वेश्चन आपका ग्रुप 17 के 17 से था आपका आवतसानी से एक क्वेश्चन जो कि आपका देखा गया था। तो आपका जो कि इतना ही हमें जो कि अभी तक प्रश्न मिले हैं जीके जीएस के जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में आपका जो कि पूछा गया था। और भी प्रश्न मिलते हैं तो हम उन्हें आपका PDF में शामिल करके आपका PDF जो कि इसका रात तक सभी प्रश्नों के साथ आपका PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना नहीं भूलिएगा, वहाँ से आपको आज का 14 जुलाई का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों शिफ्टों का जो कि PDF आपका वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो भी विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़कर। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।